देखिए शिव कुमार जी, ये सब इतना एक ऐसा ये ट्रेंड सा बन गया है और हम इतने परिचित हो गए हैं कि ये इसमें सिर्फ, हालांकि हो सकता है थोड़ी बहुत जो है कि जो इन रेट्स के पीछे सच्चाई भी हो, लेकिन ये जिस तरीके से रेट्स हो रही हैं वो ये, और एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि हमको यही लगता है, या उन पार्टियों को जो जो प्रभावित हो रही हैं उनको यही लगता है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए जिस तरह से अभी जो जो ईडी के डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बिल्कुल इनको तो है अब एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता है किसी तरीके से, हालांकि कोर्ट ने बाद में फिर उनकी मियाद बढ़ा दी थी कि वो तुरंत चाहता था कि वो ना हो, लेकिन फिर केंद्र ने कहा कि साहब ये है इनकी इनके ये अभी रिटायर होने वाले हैं, तब तक के और लिए मिश्रा बढ़ा के दिया जाए। खिलाफ बोलेंगे तो ये अपमानजनक शब्द है। मिश्रा आपके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, ये मिश्रा कॉम पर हमला है, ये हम आपके पास कोर्ट जा सकते हैं, हमारे पास है ऑप्शन। नहीं, तो वो आप तो कोर्ट जा सकते हैं तो जाइए, लेकिन हो क्या रहा है कि आप देखिए कि अब सरकार क्या कर रही है कि संजय मिश्रा को पिछले दरवाजे से जो है फिर से लाना चाह रही है, और उसको एक नया विभाग बना के सीबी और ईडी का एक कंबाइंड जो है वो बना के, और उसका सीईओ बना के रूप में लेके आने जा रही है। वो एससी को भी नहीं समझती, ये हमने आपने देखा जिस तरह से इलेक्शन कमीशन वाले में जो कहा था, इलेक्शन कमीशन की कमेटी में सीजीआई को जब जिस जिस सरकार जो अलग कर सकती है वो सरकार कुछ भी कर सकती है। तो ये इस समय जो सरकार की हिम्मत है, जो ताकत है, उसका जो दुरुपयोग है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, और सरकार को शर्म नहीं है इसमें कि वो उसका दुरुपयोग कर रही है। उसका अपना मकसद सर होना चाहिए, और यहाँ सीधे सीधे मकसद ये है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार अपने जो है कि लाल किले से पहले भी आपको याद होगा, और बार बार वो इस बात को कहते हैं कि मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ दरअसल लड़ाई नहीं होके ये एक संदेश देने की जो उनकी जो एक टैक्टिक रहती है कि जितने भी विपक्षी दल हैं उनको जो है ये आप दिखा दीजिए कि साहब ये तमाम भ्रष्ट हैं पूरी पूरी तरीके से, और जो है कि हम इनके खिलाफ जो है मोर्चा खोले हैं, और हम जो है कि हम बेमानी नहीं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन उन्हीं के जो देखिए है लगातार सरकारों, खा रहे उन्हीं हैं की खाने भी दे सरकारों रहे में, हैं, चाहे राज्य लगातार खा रहे सरकार, हैं खाने चाहे भी दे रहे हैं, लगातार सर खा रहे हैं खाने भी दे रहे हैं। जी, यही तो हो रहा है आपका। आप देखिए पीएम केयर फंड का कोई कहने वाला नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आरटीआई के अंडर में भी नहीं आ रहा है। उसके अलावा जो है तमाम जो स्कैम अभी इधर के हुए हैं, आपको पता है महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ, उत्तराखंड में जो हुआ है, आपका जो है उत्तर प्रदेश में है, जब आप मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा इसका उदाहरण है, जहाँ की आपको याद होगा कि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं शिवराज, उनके व्यापम, तो आप छो व्यापम तो एक बहुत ही बड़ा जो है स्कैम है, स्कैम का स्कैम है, और उसकी उसका जिस तरह से जो है छिपा दिया गया वो और बड़ा स्कैम है। मतलब आप देखिए उसमें क्या क्या नहीं किया गया है। तो ये सरकार इस तरह से काम करती है, और मोदी जी कहते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं और जनता को यही करते हैं, और ये सब एक्शन, चाहे तमिलनाडु में देखिए जो विपक्षी सरकार आती है वहां पे स्टालिन, चूंकि स्टालिन ने मोर्चा खोला था वहां बीजेपी के खिलाफ, और स्टालिन जीत के आए, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वहां पे बीजेपी स्थापित ना हो सके तमिलनाडु में, तो पूरा उनके मिनिस्टर 2004 और 11 से लेकर 11 तक जो सरकार थी वहां पे, उस समय का जो है मामले लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का उठाया जा रहा है, इसी तरह झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, जहां जहां। लेकिन इनके अलावा दूसरे राज्य भी तो है, गोवा है, वहां हुए हैं बहुत से घोटाले हुए हैं, महाराष्ट्र, आप सीधे सीधे आपने भी चर्चा करी अजीत पवार का, जो वॉशिंग मशीन इसीलिए कहा जाता है इसकी सरकार को, और तमाम जो है बेशर्मी के साथ। लेकिन जो सरकार को फर्क न पड़ता हो कोई क्या कह रहा है, उनको तो वही करना है, और ये उनका एक मकसद है कि हमें संदेश देना है कि हम जो है ईमानदार है, और बाकी सब विपक्ष जो है, सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, ये एक मैसेज देना है। और उसके लिए सारी एजेंसीज है जिनका दुरुपयोग निश्चित रूप से कांग्रेस के टाइम में भी होता था, लेकिन उसके पीछे आप जो है पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आपके समय में ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है इस चीज का, और साफ दिखाई दे रहा है। तो ये कह सवाल है, तो अब दिया मुझे लगता है कि सिर्फ जनता ही जो है इसका जवाब दे सकती है, क्योंकि और तो ना तो ये सुप्रीम कोर्ट की सुनते हैं, ना तो ये किसी विपक्षी दल की सुनते हैं, और ना संसद की सुनते हैं। तो मुझे बिल्कुल। लगता है ये सरकार को सिर्फ जनता ही एक जवाब दे सकती है, और जनता कितनी जागरूक है अब ये देखने वाली बात है। हमने ये सिनेमा में भी इस बात को देखा है, गानों में भी देखा है, और डायलॉग्स में भी देखा है कि जनता है सब जानती है ये।
और जनता निश्चित रूप से तय जनता ही करती है और जनता जागरूक भी है। हमने बहुत समय 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 पर देखा है जो सत्ताएं जो हैं वो निरंकुश होती चली गई हैं। अंत में जो है उनको जो है कि जनता ने ही सबक सिखाया है, ये चाहे इंदिरा गांधी हो और चाहे आने वाले समय में कोई और शासक हो सकता है। तो ये तय है और जनता जो है अपने हिसाब से तय। जनता बहुत जल्दी आपके कहे में आ भी जाती है, ये भी एक फैक्ट है। हमारे देश में जनता बहुत जल्दी आप पे विश्वास कर लेती है, कोई भी हो, कोई भी नेता हो, थोड़ा सा भी अगर उसका एक इस तरह का परसेप्शन बना दिया जाए तो जनता उसको मौका पे मौका देती है। लेकिन एक बात और है कि जो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी वाले और या मोदी जी जो है ये सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आधार पे और विपक्ष को भ्रष्टाचार के आधार पे आप जो है कि बदनाम करके जो है चुनाव जीत जाएंगे, तो मैं एक चीज बता दूं आपको शिव कुमार जी कि अगर आपने भी देखा होगा जितने भी जो सर्वे आते हैं या जो चुनाव के पहले या जिस तरह से लोगों से जब पूछा जाता है तो भ्रष्टाचार का मामला उसमें जो इश्यू जो है वो चौथे से पांचवें नंबर पे रहता है हर सर्वे। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि भ्रष्टाचार जो है, हम सब राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार सबसे खराब चीज मानी जाती है और इसको जनता जो है कि कहती भी रहती है हमेशा, लेकिन आप कोई भी सर्वे जो उठा के अभी भी देख लीजिए आप, तो जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसकी उसकी लिस्ट चौथे या पांचवें नंबर पे भ्रष्टाचार होता है, जो जनता कहती है कि नहीं इतने परसेंट बस इतने ही परसेंट कहती है, हम तो है 7 से 8% जो लोग है वो मानते हैं भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। तो ये हकीकत है। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से देखिए निरंकुशता जो है हमेशा रहती नहीं है, वो इतिहास के बाद जो अभी एक उदाहरण दिया अभिषेक ने और ये हम भी देखते हैं कि आप अपने अपनी ही इंडियन पॉलिटिक्स का ही देख लीजिए आप, 1950 से देख लीजिए आप, तो जो है कि इतिहास को अगर खंगालेंगे आप लगातार तो जो भी निरंकुश होने की कोशिश करी है और जिसने तमाम जो है लोगों के अधिकारों को कुचलने की कोशिश करी है वो सफल तो हो सकता है लेकिन वो बहुत दिन स्थायी नहीं रह सकता है और उसको जो है कि जनता की विदाई उसकी निश्चित है और जनता तय कर देती है क्योंकि जनता जनार्दन है। देश में ये जनता ने बार बार दिखाया है।